यूपी के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट। यूपी में 3 दिन बारिश के आसार, तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की भी है चेतावनी। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से जो है सूखे के बाद एक बार फिर से जो है मौसम का मिजाज बदल सकता है। वही कल तक ठीक ठाक धूप देखने को मिल रही थी, लेकिन आज से जो है कई इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ आज से बारिश होने का अनुमान जताया गया है। वही पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश में कई इलाकों में 3 तारीख तक बारिश और ओलावृष्टि होने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज जो है पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के आसार है। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 1-2 स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि के आसार है। वही इसके साथ ही 1-2 स्थानों पर जो है मेघगर्जन और आकाशीय बिजली चमकने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है। यूपी में आज से अगले 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। कल और परसों 2 दिन तक जो है पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में जो है बारिश का अलर्ट है। पश्चिमी यूपी के नोएडा और गाजियाबाद, मेरठ समेत कई इलाकों में बिजली चमकने के साथ साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान राज्य में 1-2 स्थानों पर जो है ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। हालांकि 4 तारीख से एक बार फिर से जो है यूपी के अंदर मौसम साफ होने वाला है। वही मौसम विभाग के मुताबिक आज गाजियाबाद, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर में कुछ स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही नोएडा, बुलंदशहर, संभल, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, एठा, मैनपुरी, इटावा, काशीराम नगर और इसके अलावा बदायूं, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, शाजापुर, हरदोई, फरुखाबाद, हरदोई और इसके अलावा कन्नौज, अरोरिया और इसके अलावा औरिया और कानपुर देहात में 1-2 स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। वही इलाकों में आज तेज हवाओं के साथ जो है दूरबीरी आंधी चलने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2-3 दिन में जो अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही तेजी से जो है तापमान 3-4 डिग्री गिरने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में भी जो है अचानक 2-3 डिग्री की गिरावट होने के आसार जताए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में जो है मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट है। वही मौसम विभाग ने जिन इलाकों में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है उनमें प्रमुख इलाकों की बात करें तो अमरोहा, बागपत और मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर और आसपास के इलाकों में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ साथ तेज रफ्तार से हवा चलने के साथ ही यहां पर मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वही किसानों को भी इसको लेकर मतलब बारिश को लेकर किसानों में भी यहां पर किसानों को भी यहां पर आगाह किया गया है, क्योंकि यहां पर तेज बारिश के आसार है। तो किसानों को भी यहां पर सलाह दी गई है कि वो अपनी फसलों को यहां पर जो है नष्ट होने से यहां पर मतलब फसलों के ध्यान यहां पर रखें। वही आगरा, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, एटा, फरीदाबाद और इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हापुड़, हाथरस, कासगंज, मथुरा, संभल आसपास के क्षेत्रों में जो है मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी दी है। किसानों के लिए चेतावनी जारी की है। वही ओलावृष्टि होने से फसल गिरने की संभावना है। फसलों के फूल गिरने और विकास रुकने और इसके अलावा फली टूटने और बिखरने और जल जमाव के कारण कटी हुई फसलों के बीज अंकुरित हो जाते हैं। इसको लेकर जो है किसानों को लेकर जो है खासतौर जो है चेतावनी दी गई है।